हेलो, कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना? यहाँ पर हम हैंगिंग लैम्प बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिए है, ये कलर्स हैं ग्रीन, रेड और ये ब्लू कलर है, इस तरह का। ये लेस है गोल्डन कलर का, ये देखिए, इसको यहाँ फ्रिल है इस तरह की। ये ग्लू है और इस तरह का ये कंटेनर लिया है, ये देखिए, इस तरह का ये ट्रांसपेरेंट कंटेनर है। वूल है, इसको हमें इस तरह से उंगलियों पे 20 बार घुमा लेना है, ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे इसको कट करेंगे धागे को। और यहाँ पे हमें इसके ऊपर में नॉट लगा लेना है, ये देखिए, इस तरह से यहाँ ऊपर की साइड में नॉट लगा लेंगे। इसको ये टसल की तरह बना लेना है, देखिए, यहाँ पे नॉट लगा लेंगे, ये इस तरह से, ये ऐसे बनेगा। भी ये जो इसके नीचे के थ्रेड्स है, इसको हमें सेपरेट बनाना है, इस तरह से कट करेंगे और फिनिशिंग के साथ इसको कट करना है, ये देखिए, इस तरह से फिनिशिंग से इसके साथ कट करेंगे, ऐसे बना लेंगे इसको, देखिए। ऐसे मैंने ये 3 कलर के बना लिए हैं, ऑफ वाइट, रेड और ग्रीन। इसके ये जो ऊपर की साइड है, यहाँ से सुई को इस तरह से निकाल लेंगे और यहाँ पे धागे को नॉट लगा लेना है, ये देखिए, इस तरह से ऐसे बना के लेंगे सभी। इसको 1 या 2 बार नॉट लगा लेंगे इस तरह से, ऐसे बना लेंगे। ये कंटेनर है, इसके ऊपर इस तरह से ये ग्रीन और रेड कलर की स्ट्रिप्स लगा लेनी है, ये देखिए, यहाँ पे ये ग्रीन कलर का इस तरह से लगा लेंगे, ये देखिए, ऐसे। इसके आगे में हमें ये रेड कलर का लगा लेना है इस तरह से। आप चाहे तो यहाँ पे मार्क करके भी ये पट्टी बना सकते हैं, कलर के स्ट्रिप्स बना सकते हैं। आगे में ग्रीन कलर का बना लेंगे, इसी तरह से हमें रेड और ग्रीन का ये कलर लगाते जाना है, ये देखिए, इस तरह से आगे में रेड लगाना है, इस तरह से रेड ग्रीन इस तरह बनाते जाएंगे। यहाँ पे मैंने कलर लगा के इसको सुखा लिया है। दो कलर के सेंटर में ये देखिए, इस तरह से ब्लू कलर का लाइन बना लेना है, ये देखिए, सभी इसमें हमें इस तरह से बना लेना है। यहाँ पे भी बना लेंगे, ये देखिए, इस तरह से ये बॉर्डर की तरह लाइन बनाते जाना है, इस तरह। यहाँ पे इस तरह से ये क्रॉस लाइन बना लेंगे, ये देखिए, ये ऊपर से नीचे की तरफ बना लेना है इस तरह से। ये जो दूसरा कलर है, इसके ऊपर में हमें इसकी अपोजिट लाइन बना लेनी है, ये देखिए, इस तरह से, यहाँ से ये ऊपर से नीचे इस तरह, ये जो लाइन से इनको ज्वाइन करते जाना है, ये देखिए, इस तरह, यहाँ इस तरह बना लेंगे। और ये देखिए, यहाँ पे फिर से ये ऐसे बना लेना है, इस तरह से ये जिगजैग पैटर्न बनते जाएगा, ये इस तरह पूरे कंटेनर में बना लेना है, ये देखिए, इस तरह से। यहाँ पे मैंने इस तरह बना के सुखा लिया है इसको, ये देखिए, ऐसे। इसके अंदर की साइड में ग्लू लगा के लेंगे,
यहाँ पे ये जो हमने टसल्स बना लिए हैं ऊलन, इसको स्टिक करना है इस तरह से। यहाँ पे एक रेड और ग्रीन लगा के इसके सेंटर में एक ऑफ वाइट लगाया मैंने, आप जैसा आप चाहे वैसे लगा सकते हैं। इस तरह से इसको पूरे कंटेनर के अंदर की साइड में स्टिक करना है, ये देखिए इस तरह से बना के लेंगे इसको। यहाँ ऊपर की साइड में कंटेनर के ये गोल्डन लेस को स्टिक करना है इस तरह से, देखिए ऐसे इस तरह बना लेंगे। यहाँ पे ये जो फ्रिल वाला लेस लिया है हमने, इसको ये नीचे की साइड में बाहर से स्टिक करना है, ये नीचे की एंड का ये जो कंटेनर का साइड है इस पर स्टिक करेंगे। यहाँ ऊपर की साइड में इसको होल बना लेंगे इस तरह से। यहाँ पे आप चाहे तो इसमें बल्ब लगा सकते हैं। यहाँ मैंने एक हैंगिंग के लिए डोरी लगा ली है इस तरह से, इसके अंदर मैंने ये देखिए ये बैटरी का इस तरह का ये फेरी लाइट है, इसको सेलो टेप की मदद से स्टिक किया है इस तरह से। ये हमारा हैंगिंग लैम्प बन गया है। कैसा लग रहा है आपको?